रसमलाई ऐसी मिठाई है जो सभी को पसंद आती है। अक्सर हम इसे शादियों में या मिठाई के दुकान पर खाते हैं, बट इस वक्त तो हम बाहर का कुछ खा नहीं सकते। तो मैं आपको हलवाई जैसी रसमलाई पैकेट वाले दूध से ही परफेक्ट और आसान तरीक़े से बनाना बताऊंगी, जो अच्छे से रस एब्जॉर्ब किया है और खाने में एकदम स्वादिष्ट। तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केसर वाली रसमलाई आसानी से घर पर ही बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं किचन में। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। आप बफेलो मिल्क, काओ मिल्क, फुल फैट मिल्क या टोन मिल्क कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को एक बॉयल आने देंगे। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि दूध तली में चिपके ना और मलाई भी ना जमे। जब तक दूध बॉयल होता है, हम इसे फाड़ने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। दूध फाड़ने के लिए हमने विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप लेमन जूस या फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हम विनेगर बाउल में डालेंगे। एक चम्मच विनेगर के लिए हम 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। अगर आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून जूस में 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल करें। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ऊपर से मलाई न जमे। दूध में एक बॉयल आ गया है तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और 1 मिनट इसे यूं ही चलाते रहेंगे। अगर इतनी गर्म दूध से हम छेना बनाए तो बहुत ड्राई और हार्ड बनेगा। 1 मिनट बाद हम थोड़ा थोड़ा घोल दूध में ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक छेना और पानी अलग नहीं हो जाता। दूध से छेना अलग हो चुका है तो हमें और घोल डालने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं छेना कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसे आप रसगुल्ले, कलाकंद, रसमलाई और हर तरह की मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे ज़्यादा देर रखने से छेना हार्ड हो जाएगा, तो तुरंत ही हम एक कंटेनर पर कॉटन के कपड़ा रखकर इसका पानी छान लेंगे। अब इस कपड़े को पकड़कर ठंडे पानी से भरे बाउल में डालेंगे जिससे छेना सॉफ्ट बना रहेगा। पानी में इसे एक बार धोना ज़रूरी है ताकि विनेगर की खटास भी निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। एक्स्ट्रा पानी हम हाथों से निचोड़ देंगे। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखेंगे ताकि इसमें बचा हुआ एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद छेने में मौजूद एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल चुका है। इसे एक प्लेट में रखेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना वरना बॉल स्मूथ नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच अरारोट डालेंगे। इसके बजाय आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा या अरारोट हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं। अब इसे हाथों से मसल कर चिकना स्मूथ कर लेंगे। इसे मसलने के लिए हम अपने पाम का इस्तेमाल करेंगे। अब छेने का एक समूह डो बनकर तैयार है। इसका डो बनाने में हमें 12 मिनट का समय लगा। अब इससे हम एक छोटे नींबू के साइज के बॉल लेंगे और हाथों पर रोल करते हुए स्मूथ बॉल बनाएंगे। फिर इस बॉल को हल्का दबाकर पेड़े का शेप देंगे जैसे हम रसमलाई बनाने के लिए करते हैं। अगर इसमें क्रेक आने लगे तो हल्का सा मैदा डालकर कुछ देर के लिए इसे और मसल लें। सेम प्रोसेस से हम सारे पेड़े का शेप देकर तैयार करेंगे। हमने सारे पेड़े का शेप देकर रेडी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने एक चौड़ी सी कढ़ाई ली हुई है।
इसे चौड़े मुंह वाले बर्तन में ही बनाए। अब एक कप चीनी डालेंगे और सेम कप से हम 4 कप पानी डालेंगे। स्पैचुला से चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चाशनी में बॉयल आने देंगे। इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, बबल्स भी आ रहे हैं। फ्लेम को हाई रखना है और एक बॉल को हम कढ़ाई में डालेंगे। फिर कुछ देर बाद हम दूसरा बॉल भी डालेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ी देर पर हम सारे बॉल ऐड करेंगे। अगर हमने एक साथ ही डाल दिया तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे हमारे बॉल्स फट भी सकते हैं। सारे बॉल्स डालने के बाद अब इसे लीड से कवर करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट बाद अब हम लीड हटाकर इसे चेक करेंगे। ये फुल कर साइज से डबल हो चुका है, बट इसने चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया और कढ़ाई में चाशनी कम बची है। तो 1 गिलास के करीब पानी को गर्म करके इसमें ऐड करेंगे। पानी कम होने पर गर्म पानी ही डालें। फ्लेम को हमें हाई रखना है, ये पानी में डूबे रहने चाहिए वरना नीचे से जल भी सकते हैं। अब कवर करके दोबारा से इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। 10 मिनट बाद ये पककर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा और ये ना ही फटा है। इसे टोटल पकाने में 20 से 25 मिनट का समय लगा। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम चलते हैं रसमलाई के लिए राबड़ी बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट दूध डालेंगे। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं और उसे पकाते हुए 1/3 हिस्सा रिड्यूस कर लेंगे और 3 हिस्सा यूं ही छोड़ देंगे। इस राबड़ी को हमें ज़्यादा थिक नहीं करना होता, वरना रसमलाई रस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है और ये पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे। इसे आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर 2 कूटी हुई इलायची और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमने कुछ केसर के धागे को दूध में भिगो कर रखा था। दूध में केसर का फ्लेवर और कलर आ चुका है। इसे भी डालकर स्टर कर लेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ा ठीक कर लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा पतला हो जाता है। अब रसमलाई बनाने के लिए ये राबड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ करेंगे। एक कंटेनर में अपने छेने के बने हुए रसगुल्ले डालेंगे और इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। रबड़ी को हमने ठंडा कर लिया था। दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। अब कम से कम 2 घंटे के लिए इसे यूं ही फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर ले। 2 घंटे बाद इसने अच्छी तरह रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए रसमलाई को रबड़ी के साथ सर्विंग प्लेट में या कंटेनर में रखेंगे। ये आसानी से ही कम मेहनत में घर पर बनकर तैयार हो जाता है। और मैंने जो तरीका बताया है, इस तरह से बनाने पर बिना बिगड़े पहली बार में ही रसमलाई परफेक्ट बनेगा। आप कुछ कटे हुए पिस्ता से इसे गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी ठंडी केसरी रसमलाई बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेंजी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।